हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शर्मा। आज मैं आपको बताऊँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्कोर कर सकते हैं और एटलीस्ट आप 30+ स्कोर जो है स्कोर कर पाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में बैंकिंग के। और एक जो 30+ स्कोर है 35 में से, वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करना। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी और कैसे हम अपनी तैयारी करेंगे और कौन कौन सा जो है हमारा सिलेबस में क्या क्या सब है और कैसे हमें क्या सब करना है, वो सब पूरी स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे तैयार करना है और क्या क्या सब हमको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बैंकिंग ट्रिक्स 377 को, ताकि आपको मेरे सारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में जो है कि थोड़ी हेल्प करें, ताकि मैं आप तक सारी वीडियोज़ को पहुँचा सकूँ जो भी बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि और बच्चों को भी जो है इसकी हेल्प मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले मैं आपको एक स्कोर कार्ड दिखाना चाहूँगा जो कि SBI कलर प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है, जिसमें मैंने एक इसके ऊपर मैं अपने रीजनिंग की स्ट्रेटजी भी बता चुका हूँ। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और आपको सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 35 में से मुझको मिले 31 मार्क्स, और इसमें मैंने जो है 32 के अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें मुझको 31 मार्क्स मिले हैं। कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ होगा, तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में 31 मार्क्स। तो इसे ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। जो भी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा सिर्फ आपको वही फॉलो करना है और आप ईजिली जो है स्कोर कर पाएंगे अच्छा स्कोर इसमें। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले पैटर्न देखते हैं कि जो मैथ्स का पैटर्न है बैंक के एग्जाम में प्रीलिम्स के, वो कैसा होता है। सबसे पहले देखिए पैटर्न की बात करें, हमारा 35 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके लिए आपको 35 मार्क्स मिलते हैं और 20 मिनट्स मिलते हैं। देखो क्वेश्चन जो रहेगा, एक एग्ज़ाम है आपका कलर का और दूसरा एग्ज़ाम आपका रहेगा PO का। इन दोनों में डिफरेंस रहता है लेवल का, बाकी आपका जो है पैटर्न सेम रहेगा। 20 मिनट्स आपको मिलेगी, 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स। कलर के में आपका क्या रहेगा, थोड़ा पैटर्न जो है लो रहता है, जो लेवल जो है लो रहता है, और PO में जो है लेवल थोड़ा उसको हाई कर देते हैं। बाकी सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें थोड़ा आपका लो लेवल रहता है और PO में आपका थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। तो आपको करना क्या है, दोनों तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रीलिम्स लेवल तक जाना है, उसके बाद मेंस लेवल तक भी अपन लोग जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, आपको पूरा अच्छे से करना है। और इसमें जो है टाइम फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट्स का आपको विंडो मिलेगी हर एक सेक्शन के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, या क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो। तो 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे, और आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजीली 30+ स्कोर जो है कर पाओगे मैथ्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर ले सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है, सब सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, अगर बात देखी जाए तो सिंप्लीफिकेशन हमारा, एवरेज परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज, DI जो कि बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है प्रीलिम्स के एग्जाम में हो चाहे मेंस के एग्जाम हो, मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री आप कह सकते हैं, कभी कभार इससे क्वेश्चन एक पूछ ले जाते हैं, ज़्यादा नहीं आता, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये SSC के लिए जो है काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो बैंकिंग की हम बात करें तो बैंकिंग में ज़्यादा इसको नहीं पूछा जाता है, इसको हम सबसे लास्टली करेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 5 मार्क्स ही पूछी जाती है, चाहे PO की बात कर ले चाहे हम क्लर्क की बात कर ले। इंटरेस्ट पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, एजिस के प्रॉब्लम, जो एज पे बेस पे प्रॉब्लम रहते हैं कि फादर की एज इतने है, इसके इतने टाइम्स है, तो 5 ईयर्स बाद बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत देखने को मिलेगा आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रॉफिट लॉस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक में। नंबर सीरीज आपको देखने को मिलेगी, हम नंबर सीरीज में दो चीज़ें पूछी जाती है, एक तो मिसिंग सीरीज पूछी जाती है और एक आपको पूछी जाती है रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो आप इसकी भी तैयारी हम अच्छे से करेंगे। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये भी टॉपिक हम पूरा कवर करना है। टाइम एंड वर्क अच्छा टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नंबर सिस्टम की बात की जाए तो ये भी ज़्यादा नहीं है, ये आपका SSC का टॉपिक है, इसको भी हम कवर करेंगे, कभी कभी एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है, लेकिन इसको हम ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। जो जो मैं ऐसे टिक लगा रहा हूँ SSC का, उसको मतलब ज़्यादा टॉपिक हम फोकस नहीं करेंगे, लास्टली हम इसको देख लेंगे थोड़ा बहुत। डाटा सफिशेंसी के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं SBI क्लर्क में भी पूछे गए थे और SBI PO में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लीनियर इक्वेशंस आपकी रहती है,
परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लीनियर इक्वेशंस रहती है, और जिसमें ये सब मैं आपको यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, परमोटेशन कॉम्बिनेशन और मिक्सचर और एलिगेशन से भी जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमें इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। कि ऐसे नहीं है कि हमने कि आज ये कर लिया, टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन कर लिए कल को, फिर हमने दोबारा से मिक्सचर एलिगेशन के तीन क्वेश्चन कर लिया, ऐसे में क्या है हमारा कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो हमें कंटिन्यूटी बनानी है तो हमें एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो हम जैसे मैंने आपको इस रीजनिंग की स्ट्रेटजी की वीडियो में अपनी बता चुका हूँ कि हमें वीक प्लान करना है, इसी तरीके से अगर आपने क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी वीक प्लान करके स्ट्रेटजी बना के पूरी वीडियो फॉलो करेंगे इस प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि आप 2 महीने में ही पूरा सिलेबस लगभग कवर कर चुके हैं बैंकिंग का, और सिर्फ आपको 1 महीना मिल रहेगा आप, जिसमें आपको सिर्फ इसको पूरा टच करना होगा अच्छे से सिलेबस को, और जितने भी क्वेश्चन है वो सब करना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आप प्रीलिम्स में जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी। मैंने जो स्ट्रेटजी इसको तैयार की है वो मैंने वीक वाइज जो है प्लान तैयार किया है। इसमें आपका क्या रहेगा, हमारा वीक 8 तक 8 हफ्तों का जो है हमारा ये पूरी स्ट्रेटजी रहेगी, जो भी मैंने रीजनिंग की भी आपको स्ट्रेटजी बता चुका हूँ वीक वाइज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल भी ग्रो हो सके और आप सब तक मैं अपनी जितनी भी वीडियोज़ है सारी अच्छे से पहुँचा सकूँ। तो आप रीजनिंग की भी स्ट्रेटजी देख सकते हैं जो मैंने वीक वाइज जो है पूरा प्रोग्राम किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब वीक 1 हमारा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वीक 1 में हम करेंगे क्या, स्क्वायर रूट 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर रूट सारे करने हैं, और इसके भी मैं जो है शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता दूंगा, इसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं आप विद इन सेकेंड्स में। तो इसके ऊपर आपको पूरी वीडियोज़ मिल जाएगी मेरी, मैं बना दूंगा इसके ऊपर ही वीडियोज़। और आपको करना क्या है, अगर आप अच्छे से इनको याद कर ले तो और अच्छी बात है, 1 से 50 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और क्यूब रूट जो है आपको 1 से 20 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए, टेबल्स जो है आपको 1 से 20 तक याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए 17 × 8 क्या होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सोल्व करने बैठ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 17 × 8 कितना है, 17 × 6 कितना है, ईजिली आपको जो है ये लर्न हो जाएगी अगर आप इसको हैबिट में लाते हैं। आप करेंगे क्या, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन करें तो स्क्रीन शॉट को आप देख देख के करेंगे तो आपको वैसे ही याद होने लग जाएंगे 1-2 हफ्ते के बाद। उसके बाद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर आपको 25% किसी का निकालना है तो आप उसको 25% नहीं करेंगे, जैसे आपको मान लो 200 का निकालना है 25%, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आप करोगे 25/100 × 200, तो इसमें जो है थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 200 ले लिया, 224 ले लिया, 225 ले लिया, तो उसका निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1/4 करना है सिर्फ। तो इसी तरीके से मैं जो है पूरी फ्रैक्शन की जो टेबल है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोज़ में, तो इससे आपको क्या होगा आपका टाइम बचेगा, क्योंकि हर किसी में आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी रहती है, 25% निकालना है, 33.33% निकालना है, 16.66% निकालना है, तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे आपको 12.5% निकालना है किसी का, तो आप पहले 10% निकालोगे, 2.5% निकालोगे, ऐसे नहीं करना है। 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, तो आप सीधा अगर आपको पता है, अगर आपको फ्रैक्शन की सारी वैल्यूज पता है, तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। और उसके बाद आपको वीक 1 में सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन के मैं कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल से जो है पूरा हाई लेवल तक आपको कराऊंगा, जो भी मेंस में आता है, तो आपको इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी जो क्वेश्चन की बात है वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं, कोई भी साइट से हो, कोई भी चाहे आप टेस्ट सीरीज यूज़ कर रहे हो तो आप उससे जो है क्वेश्चन लगा सकते हैं। कोई आप बुक ले लीजिए, SBI PO प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चन आते हैं, SBI PO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो आप एक बुक ले लीजिए और उससे आप पूरा सेट लगाइए, जितने भी आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर जितने भी हमारे स्क्वायर रूट क्यूब रूट के जो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, वो आप सब पूरे सॉल्व कीजिए इनसे बैठ के, और एक इनकी चार्ट बना लीजिए जो मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पूरी आपको चार्ट बना लेनी है, अपने सामने रखनी है, जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इस चार्ट से देखिए, तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे आपको ये जो है स्क्वायर रूट क्यूब रूट और टेबल्स जो है आपको याद होनी शुरू हो गई है, फ्रैक्शन भी इसी में यूज हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये वीक 1 का ये प्लान है, आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे, आज मैंने टाइम एंड वर्क कर लिया, अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, फिर कुछ और कर लिए, तो आप इससे कंटिन्यूटी में नहीं रहेंगे। अगर आप वीक वाइज प्लान करके चलेंगे तो आपकी जो है कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन रहेगी, और आपका एक टारगेट सेट रहेगा कि मुझे 1 हफ्ते में इतना टारगेट करना है, 2nd वीक में ये टारगेट लेके पूरा करना है, तो आपको वीक 1 का जो है टारगेट इतना आपको करना है एटलीस्ट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वीक 2 की। ठीक है, वीक 1 में हमने वो सब कर लिया, वीक 2 में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन जैसा कि हमने थोड़ा बहुत वीक 1 में किया था, तो सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ पे भी जो है कि पूरा कंटिन्यूटी में रखना है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये आपको जो है पूरा पूरा करना है। अब सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में फर्क कुछ नहीं है, बस इतना ही फर्क है, अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करें, अगर आपको वैल्यू दी है 16.21%,
तो आपको पूरा 16.21% नहीं लेना है, आपको क्या करना है सिर्फ अप्रॉक्स करके 16% ऑफ जितना भी आपको दिया है, 100 दिया है या 200 दिया है, 120 दिया है, तो आपको इस तरीके से निकालना है। तो आपको 60.21% नहीं निकालना है 120 का, आपको जो है इसको अप्रॉक्स करके 16% ऑफ 120 आपको ऐसे कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं, अगर आपको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है SBI PO 2019 में, जो क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के, आपने अगर अभी तक वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम अप्रोक्सीमेशन को बिल्कुल मिनिमाइज एफर्ट में जो है इजिली क्वेश्चन कर ले रहे हैं विद इन सेकेंड उसमें। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक की बात करें जो हमें वीक 2 में कंप्लीट करना है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 5 मार्क्स की देखने को मिलेगी मिलेगी प्रीलिम्स के एग्जाम में, चाहे वो PO की बात करें चाहे हम क्लर्क की बात करें, एटलीस्ट 5 मार्क्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कवर करते हैं। तो ये इसके ऊपर ही जो है मैं वीडियो बना दूंगा, अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये 5 मार्क्स जो है आप विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज़्यादा तो आपको लगेगी नहीं अगर आपने मेरी वीडियो भी देखी है तो, और आप अगर प्रैक्टिस में है तो 1 से 1.5 1.5 मिनट में जो है आप क्वेश्चन पाँचों के पाँचों कर ले जाएंगे। तो यही टाइम अगर आप बचा रहे हैं तो यही टाइम आपको डिवोट करना है लास्टली जाके अर्थमेटिक में, जो कि एक अच्छा रोल प्ले करेगा। अर्थमेटिक भी आपको 10 से 15 मार्क्स का देखने को मिलता है, और जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं की है। अगर इनकी बात करेंगे हम तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, अगर हम क्लर्क की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर हम PO की बात करते हैं, क्लर्क में आपको 15 क्वेश्चंस तक मतलब 15 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से। वहीं अगर PO की बात करते हैं तो आपको 5 to 7 मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन से और अप्रोक्सीमेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में जो है 5 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अगर वीक 2 तक इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो आप इजिली जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने वीक 3 की। वीक 3 जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें भी आपको ये जो है 10 to 15 मार्क्स आपको दिलाएगा। सबसे पहले मिसिंग सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। पहले जो है होता क्या था, अभी तक 2017 तक मिसिंग सीरीज जो है पूरा अच्छे से पूछा जाता था, हर किसी में मिसिंग सीरीज आ रही है, मिसिंग सीरीज आ रही है। लेकिन अभी 2018 के फिलहाल एग्जाम में जो देखा गया है, IBPS PO या IBPS क्लर्क प्रीलिम्स हो, इसमें क्या देखा गया कि रॉन्ग नंबर सीरीज जो है आ गई है। रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू मिसिंग सीरीज, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप इजीली रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन को इजीली कर लेता हुए। इसकी भी जो है मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सारे क्वेश्चन दूंगा बेसिक लेवल से लेके पूरा हाई लेवल तक आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया रॉन्ग नंबर सीरीज से हो चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज से हो, मैं जो है सारी वीडियोज में आपको सारे क्वेश्चन जो है इजिली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अप्रोच लगा सकते हैं इन क्वेश्चन को। और देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन में है क्या, ये नहीं कि अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन करा दूंगा 20 क्वेश्चन करा दूंगा, इसमें आपको करना क्या है, कोई भी बुक ले लेनी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है डेली आप 5 to 5 क्वेश्चन लगाइए मिसिंग सीरीज के, 5 क्वेश्चन लगाइए रॉन्ग नंबर सीरीज के। अब देखिए आपके पास डेज कितने हैं, अगर आप वीक 3 से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट जो है 3 मंथ्स आप मान के चल लीजिए। SBI PO जो सबसे पहले एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपके पास 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स मतलब आप मोटा मोटी अगर देखें तो 90 डेज आपके पास है। ठीक है, अगर 90 डेज में अगर 5 क्वेश्चन लगा रहे हैं मिसिंग सीरीज के, 5 क्वेश्चन लगा रहे हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के, मतलब 10 क्वेश्चन जो है पर डे लगा रहे हैं, और अगर पर डे जो है 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप लगभग 900 क्वेश्चन जो है मिसिंग सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज के जो है आप सोल्व कर लेंगे। तो एक 900 मतलब 1000 के करीब जो है आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मिसिंग सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज के, जो कि एक अच्छा अमाउंट है क्वेश्चन का। अब आप ये कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन नहीं, वरना सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं आपको करना क्या है, DI बेस्ड प्रॉब्लम्स, वो भी प्रीलिम्स बेस्ड की। मैं ये नहीं कह रहा कि जो टाइम एंड वर्क उसमें दिए रहते हैं, जो मतलब अरिथमेटिक मिक्स होता है, जो DI जैसे टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आ जाते हैं, DI पूरी बन के आती है मेंस में, और आपको ये क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको DI बन के आते हैं, वो वाली सॉल्व नहीं करनी है। ये आपकी मेंस लेवल की, ये भी मैं आपको कराऊंगा बाद में जब हम पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट कर लेंगे। आपको करना क्या है, जो भी इस टाइप की आपकी DI रहती है जिसमें आपका ग्राफ रहते हैं, बार ग्राफ रहते हैं, ठीक है, पाई चार्ट रहते हैं, ये सब करने, जैसे आपको ये एंगल दिए रहते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे दे देगा आपको ये क्रिकेट प्ले करता है, ये सब ये करता है, और की परसेंटेज दी रहती है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए रहते हैं, ये सब आपको जो है सिंपल सिंपल DI मैं जैसे आपको वीडियो बना के दे दूंगा, इसमें इस टाइप की आपको DI सोल्व करनी है, और मैं इसकी PDF भी आपको बना दूंगा, जो भी क्वेश्चन की PDF रहेगी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो मैं PDF में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीक 3 में आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, इनके 5 5 क्वेश्चन डेली करने हैं आपको, और मेरी वीडियोस देखनी है बेसिक के लिए, और DI जो है आपको डेली कम से कम एक सोल्व करनी है DI। ठीक है, एक तो करनी है, अगर मैक्सिमम आप 2 भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप 2 भी कर सकते हैं।
हमारा वीक 3 का ये प्रोग्राम जो है फॉलो आपको करना है। फिर अगर हम बात करें जाए वीक 4 से लेके वीक 7 तक, ये जो हमारा मेन जो है रोल प्ले करेगा। ये जो है अगर आप अर्थमेटिक कर लेते हैं, ये आपको दूसरों से अलग करता है, क्योंकि हर कोई जो है, जो मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये हर कोई करता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हर कोई करता है। जो मेन जो है डिफरेंस करता है वो है अर्थमेटिक। अगर आपने अर्थमेटिक किया है तो आप दूसरों से अलग दिखेंगे। अगर हर कोई स्कोर करे 20 मार्क्स, तो आपको स्कोर करना है 30 मार्क्स, और वो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा अर्थमेटिक की हेल्प से, ठीक है। तो अर्थमेटिक में मैं पूरा कराऊंगा वीक 4 से वीक 7 तक। आपको 3 वीक्स जो है अर्थमेटिक को देने हैं। अर्थमेटिक में हम सारा को टॉपिक कंप्लीट करेंगे, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, ठीक है, CI हो, SI हो, जितना भी है पाइप एंड क्रिस्टन्स के फॉर्मूले, और जितने भी है आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सब कुछ हम कंप्लीट करा दूंगा। मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूंगा, तो आप उसको फॉलो करिए, बेसिक पूरा मेरी वीडियो से लिए। और क्वेश्चन जो है आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जो भी आप टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है वो सब टेस्ट सीरीज से आप क्वेश्चन ले सकते हैं। आपको पूरा जो है स्ट्रेटजी ऐसे ही फॉलो करनी है, तो आपका लगभग वीक 8 7 तक जो है आपका पूरा कोर्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड का कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो है पर डे सिर्फ 1 आवर मिनिमम देना है इसके लिए, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 आवर भी इसको दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ, मैं थोड़ा देर में समझ में आता, तो आप 2 आवर्स ईजिली दे सकते हैं इसको। और वो अगर आप अच्छे ठीक है मैथ्स में ईजिली कंसेप्ट को पकड़ लेते हो, तो 1 आवर आपके लिए सफिशियंट है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो वीक 7 तक हमारा जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको वीक 7 के बाद मैं आपको डेली प्रोवाइड करूंगा एक PDF या फिर वीडियोस में, जो भी क्वेश्चन आए मेंस में आए हो, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम में आए हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, मैं सब आपको जो है प्रोवाइड करूंगा। आपको डेली उसको सोल्व करना है एक एक क्वेश्चन। और फिर आपके पास जब वीक 8 से आप आएंगे, तो वीक 8 में आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज हो या फिर कोई भी बुक हो, आपको पूरा एक सेट सोल्व करना है, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप बुक से सोल्व करें तो आपको 20 मिनट्स का जो है टाइमर लगा लेना है। 20 मिनट्स में आपको देखना है कि आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में जो है स्पीड मैटर करता है। आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन आप 35 क्वेश्चन जो है 30 मिनट्स या फिर 35 मिनट्स में सोल्व कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ये गलत स्ट्रेटजी है, तो आप एग्जाम में जो है स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको करना है 35 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए 20 मिनट्स का जो है टाइमर सेट कीजिए, ठीक है। आप देखिए उसमें अगर 20 पहले स्कोर करें, तो उस स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। 20 कर रहे तो अगर अगले दिन एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे 25 स्कोर करने लगेगा, अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है टाइमर लगा के अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने की, 20 मिनट्स है, तो आप फिर अगले दिन ट्राई कीजिए 19 मिनट्स में जो है क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। 90 मिनट्स में नहीं करें तो आप थोड़ा और इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश, मतलब अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिए, और आपकी जो है स्पीड भी जो है अच्छी मैटर अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है पूरा प्रीलिम्स एग्जाम को कवर कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं, जितना भी हमने पूरा क्वेश्चन का जितना भी हमारा रहेगा, और क्वेश्चन जो है मैं आपको सारा प्रोवाइड करूंगा PDF में। वो सबसे पहले आप क्या करिए, Banking Tips 377 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जो है दबा लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस के मेरे अपडेट मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल हमारा ग्रो हो सके और आप तक मैं सारी वीडियो जो है अपनी पहुँचा सकूँ। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।